नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूरी विधि विधान से बताऊंगी कि हलषट की व्रत पूजा कैसे की जाती है। तो ये पूजा हमारे घर पर ही की जाती है, सब एक साथ बैठते हैं फिर ये पूजा स्टार्ट की जाती है। इसमें जो खेत का होता है वो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, चीनी, चावल, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है खाने में। तो ये हमारी मदर इन लॉ है, ये घर की सबसे बड़ी है, तो ये सबसे पहले पूजा कर रही है, फिर लाइन बाय लाइन सब लोग पूजा करते हैं। तो ये सबसे पहले पीठा चढ़ा रही हैं, चौक रखी जाती है, चौक के ऊपर हलषट महाराज बनाए जाते हैं। इसके बाद अब मैं पूजा कर रही हूँ, ये सबसे पहले डुंगरिया इसमें गाड़ी जाती है, उसके बाद पीठे को चढ़ाते हैं, फिर बंधन चढ़ाते हैं, गेहूँ चना चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें खेत का खाया नहीं जाता है बट वो चढ़ाया जाता है। और ये बंधन अब मैं चढ़ा रही हूँ, इसमें हलषट है, हलषट का मतलब होता है इसमें सब चीज़ें 6 बार की जाती हैं, 6 बार ये बंधन जो चढ़ाया जाता है, बाद में जो सुहाग लिया जाता है वो भी 6 बार ही लिया जाता है इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको विधि विधान से सब कुछ बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कर जाता है, कि कब बंधन लें, कब बंधन चढ़ाएं। जब आप इसकी डुंगरिया को गाड़ते हैं तभी आप इसको इसमें बंधन चढ़ा दें, फूल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो ये मेरा भी पहला हलषट है तो मैंने पहली बार ये देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं व्रत नहीं रख पा रही थी। ये इसमें कुछ पेपर कढ़ाई ली जाती है, इसमें आग लगाई जाती है और इसमें सामग्री वगैरह कुछ होता है वो इसमें सब लोग चढ़ाते हैं। ये भी आप देखेंगे, ये है आग इसमें लगाई गई, मतलब हवन कुंड बनाया गया है इसको, तो इसमें सभी लोग इस सामग्री को चढ़ा रहे हैं। हवन कुंड होता है ना, तो हमने हवन कुंड तो एकदम से अटेंडम नहीं बना सकते हैं, तो कढ़ाई में पेपर को रख लिया है, उसी का ही हवन कुंड बना लिया है। फिर इसके बाद ये हमारे यहाँ कुछ होता है, चांदी का छल्ला लिया जाता है, हाथ में दीपक पकड़ा जाता है, ये भी 6 बार ही किया जाता है, कि एक लोग पानी डाल रहे हैं, फिर दिए पे से फेर के बालों की लटों में इसको लगाया जाता है इस तरीके से, ये भी 6 बार ही किया जाता है। हलषट होता है तो इसमें सब काम जैसे मैंने बताया है 6 बार ही किए जाते हैं।